हेलो माय लवली स्टूडेंट्स अ वेरी वॉन्ग वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग वाला एंड टुगेदर इन बैच वी आर स्टडिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल स्टडीज तो लीगल स्टडीज में लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक कवर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और उसके एंड में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगली क्लास हमारी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की रहने वाली है और उसको जरा सा ब्रीफली आप लोग पढ़ के आइएगा सो दैट इट विल बी ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड तो पहले इससे पहले कि हम एडीआर के बारे में जानें हम ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं रिकैप ले लेते हैं प्रीवियस क्लास का और उसके बाद देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्लास में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं जस्ट अ सेकेंड हां जी तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपॉर्टेंस समझा था हमने जिसमें हमने पेटर्नलिज्मिज्म के बारे में बात की थी वेलफेयर स्टेट के बारे में बात की थी इट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोटेक्टर भी है ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट इज ऑल्सो सपोस्ड टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ये हमने बात की थी पटर्नलिज्म एंड में ठीक है फिर रूल ऑफ लॉ और थी रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था एवी डाइसी ने दिया था और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से रिलेटेड है और वो कहता क्या है दैट नो वन इज अबव लॉ और सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें तो ये है आर्टिकल 50 में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और ये दिया किसने था इट वॉज गिवन बाय मोन्टेस्क्यू ये प्रिंसिपल हमें मोन्टेस्क्यू ने दिया था और ये किसने दिया था एवी डाइसी ने और सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल कहता क्या है जो हमारी गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं लेजिसलेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वर्क करेंगे और कोई भी एक जो ऑर्गन है वो दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेगा ठीक है फिर हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसमें भी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कोई भी Uh, वो रूल ऑफ फेयर हियरिंग होना चाहिए और अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड होनी चाहिए तो इसके भी तीन एस्पेक्ट्स थे वन वॉज नो बायसनेस देन रूल ऑफ फेयर हियरिंगट एवरी वन शुड बी हर्ड इन अ प्रॉपर मैनर फेयर हियरिंग ठीक है फिर हमने बात की थी इक्वल Equal opportunity अपॉर्चुनिटी ऑफ heard। इससे हमने रिलेटेड एक मैगजीम भी पढ़ा था ऑडी आल्ट कि हर व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आप कोई डिसीजन ले रहे हैं उसको आप एक मौका जरूर देंगे कि वो अपना पक्ष भी आगे रख पाए फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात की थी ये कहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है हैिटी एंड डॉक्टरिटी इसके अलावा हमने ब्रीफली डिस्कस किया था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है ठीक है फिर हमने टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी जाने थे तो इस तरीके से ब्रॉडली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किए और उनके कुछ क्वेश्चन so आज भी हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज योर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अब इसका हम पहले ब्रीफली टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम करेंगे फिर हम डिटेल में सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे तो एडीआर का सबसे पहले मीनिंग और इंपॉर्टेंस समझेंगे कि एडीआर होता क्या है और ये क्यों जरूरी है फिर हम आर्बिट्रेशन और इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडियन लॉ ऑन आर्बिट्रेशन की हमारे देश में आज के दिन आर्बिट्रेशन के क्या लॉज हैं फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत अच्छा लगेगा आपको आपको यूँ लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा है जो कि बहुत ही यूजफुल है और हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड भी है फिर हम मीडिएशन और कंसिलियन के बारे में जानेंगे आई होप ये सब टर्म सबने सुनी होंगी आर्बिट्रेशन भी सुना होगा मीडिएशन भी सुना होगा कंसिलियन भी सुना होगा अब इनका मतलब क्या है वो हम आज के क्लास में जानेंगे फिर हम लोकपाल और लोकायुक्त ये भी सुना होगा जरूर बच्चों आप सभी ने आई एम श्योर फिर हम बात करेंगे ओमबर्ड्समैन की और इसके साथ हम और एक और चीज पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत ठीक है और लास्टली जो हमारे रिचुअल है जो हमारी प्रैक्टिस हम हर बार करते हैं पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे या वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे फिर उस पर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे चलो जी विदाउट एनी फर्दर डू लेट एस प्रोसीड डी एडीआर मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस तो सबसे पहले आर स्टैंड फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट ूशन इसी टर्म को अगर हम बाइफरकेट करके पढ़े डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिस्प्यूट मतलब किसी के बीच कोई कंफ्लिक्ट हो गया है कोई लड़ाई हो गई है कोई कंफ्यूजन uh, अराइज हो गई है रेजोल्यूशन मतलब उसको सुलझाना जान, सुल सुलझाना तो मतलब सॉल्विंग इसको हम कह सकते हैं सॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है अब इसके आगे वर्ड लिखा है ऑल्टरनेटिव अब जनरली हम अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं हम कहते हैं आ, उसने आपकी को, आपने, आपने के दोस्त को कोई प्रॉब्लम बताई उसने आपको कोई सोल्यूशन दिया आप कहोगे नहीं यार तू मुझे कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे मतलब कुछ और बता कोई और तरीका बता जिससे मैं अपना ये जो मुकदमा है डिस्प्यूट है कंफ्लिक्ट है उसको रिजोल्व कर सकूं तो ऑल्टरनेटिव मतलब जो एग्जिस्टिंग सोल्यूशन है उसके अलावा हम और कौर, और किन किन जरियों से अपना जो डिस्प्यूट है कन्फ्लिक्ट है उसको सुलझा सकते हैं वैसे ही अल्टरनेटिव डिस्प्यूट यानी कि जनरली अगर हम आज की तारीख में बात करें तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ होता है जैसे कि थर्ड ऑर्गन जो है हमारा गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन कौन सा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज जनरली डन बाय द जुडिशरी यानी कि हमारे कोर्ट्स कैसे की जैसे कोई भी कंफ्लिक्ट है कोई किसी के बीच में दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है वो मुकदमा कहाँ सुलझाया जाता है कोर्ट्स में अब यहाँ पे ऑल्टरनेटिव लिखा है यानी कि कोर्ट्स के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है कोर्ट्स के अलावा जो जो ऑप्शन है जैसे अभी मैंने आपको ब्रीफली लास्ट उसमें बताया आर्बिट्रेशन था मीडिएशन था कंसीलिएशन था लोक अदालत था वो सब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म्स हैं वो हम डिटेल में समझेंगे बट आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा कि ए का पर्पज क्या है ए का, का काम यही है मुकदमों को सुलझाना डिस्प्यूट को सुलझाना कंफ्लिक्ट को सुलझाना बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोर्ट्स ये कोर्ट्स की तरह नहीं है इनकी फंक्शनिंग इनकी कंपोजिशन कोर्ट से बहुत अलग है अब इसकी नीड क्यों है हमें और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है मीनिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें या इसकी नीड क्यों है इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट रिड्यूसेस बर्डन ऑन कोर्ट्स कैसे क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है हमारी कंट्री में देर अ ह्यूज टेंडेंसी ऑफ केसेस हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो या स्टेट लेवल पे कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स हैं बहुत ज्यादा जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है यानी कि वो केसेस जो कोर्ट में चल रहे हैं और उनका फाइनल डिसीजन नहीं आया है वो उनका नंबर बहुत ही ज्यादा है अब उस प्रॉब्लम को भी रिजोल्व करने में हमारे ए हमें मदद करते हैं यानी कि अगर हमें हमारे पास सिर्फ एक ही जो आ, वो है, प्लेटफॉर्म है क्या है कोर्ट्स कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम सिर्फ कोर्ट्स जा सकते हैं उससे क्या होगा कि कोर्ट्स में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे और पेंडेंसी भी बढ़ जाएगी इसलिए ये एडीआर का शुरू किया गया कि अगर आपके कोई छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं या ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो आपस में बैठ के आप सुलझा सकते हो तो उसके लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए आप एडीआर के पास जा सकते हो एडीआर अलग अलग तरह के आपके पास अवेलेबल है ठीक है तो पहला कि आपको आ, उससे क्या होगा एडीआर की इंपॉर्टेंस क्या है इट रिड्यूस बर्डन और दूसरा इट प्रोवाइड्स पीडी एंड चीपर जस्टिस स्पीडी एंड चीपर इसका क्या मतलब हुआ स्पीडी कोर्ट्स में तो क्या होता है तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती रहेगी एक महीने बाद आना जी अच्छा अब ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है चलो एक महीने का और एक अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी अच्छा अब ये विटनेस प्रेजेंट नहीं है चलो एक महीने बाद सुनवाई होगी तो ऐसे तारीख पे तारीख मिलती रहती है क्योंकि वहां पर जो कोर्ट्स में प्रोसीजर फॉलो होता है वो बहुत ही टेक्निकल होता है यानी कि वहां पर एविडेंस प्रेजेंट नहीं है तो अगली तारीख मिल जाती है प्रेजेंट नहीं है बट तो यहाँ पर क्या है और चीपर वे में मिलता है क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते जो कोर्ट्स में होते हैं कोर्ट्स में जैसे हमने क्रिमिनल लॉज पढ़ लिया है क्रिमिनल लॉज में क्या था सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड Indian evidence act, Indian penal code. वैसे ही civil matters का सेम है है है, तो में में ये सारे courts follow होते हैं, जो भी उनमें rules, regulations laid down है, courts में वो सब follow करनी पड़ती बट अगर हम एडीआर की बात करें तो एडीआर में ये टेक्निकल प्रोसीजर नहीं फॉलो होते इसकी वजह से हमें स्पीडी और चीपर जस्टिस मिलता है यानी कि जल्दी हमें डिसीजन मिल जाता है

चाहे वो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हों चाहे वो बिजनेस फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हों चाहे वो हमारे पर्सनल डिस्प्यूट्स हों मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट्स हों अब अब अगर हम हर छोटे छोटे डिस्प्यूट का सोल्यूशन के लिए कोर्ट के पास जाएंगे तो क्या होगा तो कोर्ट पे जो पेंडेंसी है कोर्ट पे जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा तो इसीलिए हमें अलग अलग तरह के अलग ऑल्टरनेट्स दिए गए हैं ऑल्टरनेट मतलब कोर्ट के अलावा हम वहां भी जा सकते हैं ठीक है अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां जा सकते हो तो आपकी कोर्ट में जाने की मनाही होगी ऐसा नहीं है कोर्ट में जाने का ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा बट सेंसिबल क्या है मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है आप वहां जाओ ना आपको जहां जल्दी उपाय मिलेगा जल्दी सोल्यूशन मिलेगा आप कोर्ट में अटकना तारीख पे तारीख अटकना जरूरी तो नहीं है तो इसलिए यू कैन रिजोर्ट टू ऑल्टर डिस्प्यूट रेजोलूशन मैकेजम्स जिससे आपको स्पीडी एंड चीपर जस्टिस मिलेगी तो आपको ये आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि एडीआर का पर्पज क्या है उसका इम्पोर्टेंस क्या है तो ये जो एडीआर है इसके अलग अलग मैकेनिज्म हैं वो मैकेजम्स क्या हैं डिफरेंट 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 एडीआर मैकेनिज्म क्या है वो डिफरेंट मेथड्स आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो ठीक है आप मीडिएशन में जा सकते हो आप कंसिलेशन में जा सकते हो आप लोक अदालत में जा सकते हो अब इनका कोर्ट से अलग कैसे हैं ये सब ये जो हमने डिफरेंट एडीआर मैकेनिजम्स पढ़े इनमें कोर्ट से अलग चीज क्या है वो अलग चीज ये है कि यहाँ पर टेक्निकल रूल्स और प्रोसीजर्स ऑफ एविडेंस आर नॉट फॉलोड सो व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंट फीचर है वी कैन राइट इट डाउन हियर दैट टेक्निकल प्रोसीजर आर Not followed here. ठीक है तो यहाँ पर आपके टेक्निकल रूल्स प्रोसीजर फॉलो नहीं होते तो यहाँ पे क्या फॉलो होता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हम फॉलो करते हैं क्या थे वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी पढ़ा आपको बायसनेस नहीं होगी यानी कि दोनों पार्टी इक्वल होंगी रूल ऑफ फेयर हियरिंग होगा यानी कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस तीसरा दे शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड ऑडी पार्टम तो यहां पे हम कह सकते हैं दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई ठीक है तो इससे सिंपल लैंग्वेज में आई डोंट थिंक सो एडीआर को आप समझ सकते हो एडीआर होता क्या है क्यों हमें इसकी जरूरत है और कौन कौन से अलग मैकेजम्स हमारे पास प्रेजेंट है एडीआर समझेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे इंपॉर्टेंस पूछा जा सकता है ये पूछा जा सकता है कि क्या एडीआर में हम कोर्ट्स वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं या ये पूछा जा सकता है कि हम कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो होता है वो तो नहीं होता तो हम कौन सा प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करते हैं या आपसे अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ एडीआर पूछे जा सकते हैं ठीक है विद दिस लेट्स प्रोसीड फर्दर आर्बिट्रेशन एंड इट्स टाइप सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं एडीआर वो है आपका आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन में भी क्या है मान लीजिए ये दो पार्टीज हैं इन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया ठीक है और इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने लिखा कि uh, arises, कि डिस्प्यूट डिस्प्यूट अगर हम दोनों के बीच में कोई हुआ कल को देन वी विल ऑप्ट फॉर आर्बिट्रेशन तो ये अपने इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि जी कल को अगर हमारे दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट uh, अराइज हुआ यानी कि अगर ए ने अपनी ड्यूटी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया या बी ने अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो उसको हम रिजोल्व कैसे करेंगे, में करेंगे. अब आर्बिट्रेशन में काम कैसे होता है हाउ डज इट वर्क यहां पर क्या होगा ए पार्टी और बी पार्टी यहां पर आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे किसको अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर्स ठीक है आर्बिट्रेटर्स विल बी अपॉइंटेड अब आर्बिट्रेटर्स कौन होते हैं जैसे कोर्ट में जजेस होते हैं likewise, में होते हैं जो दोनों पार्टीज को सुनेंगे एविडेंस को देखेंगे विटनेसेस को सुनना है तो विटनेसेस को सुनेंगे और उसके बेसिस पे फिर एक डिसीजन देंगे ठीक है तो आर्बिट्रेटर्स यहां पर मैं आपको ब्रीफली लिख देती हूं लाइक like, जजेज इन द कोर्ट, जैसे कोर्ट में जजेस होते हैं ठीक है इतना समझ में आ गया पार्टीज आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगी। अब यहाँ पे ये भी होता है कई सिचुएशंस में क्या होता है पार्टीज अगर आर्बिट्रेटर को नहीं अपॉइंट करती हैं, तो पार्टीज जो हैं कोर्ट को कह सकती हैं कि जी आप हमारे बिहाफ पे किसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर दीजिए तो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हो गए आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा उस डिसीजन को हम क्या कहते हैं कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आता है उसको हम क्या कहते हैं जजमेंट वैसे ही जो आर्बिट्रेटर का फाइनल डिसीजन आता है उसे हम कहते हैं अवार्ड ठीक है सो फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर इज नोन एज इसको हम अवार्ड कहते हैं ठीक है अवार्ड पुरस्कार वाला अवार्ड नहीं यहां पे अवार्ड का मतलब है फाइनल डिसीजन जो आ गया आर्बिट्रेटर्स का ठीक है एंड इट इज लाइक वॉट इट इज लाइक जजमेंट ऑफ द कोर्ट ये भी मैं लिख देती हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इट इज लाइक जजमेंट ऑफ कोर्ट कोर्ट जैसे court में जजमेंट होती है, है? है ठीक अब हमें ये पता है कि जो भी कोर्ट की जजमेंट आती है वो दोनों पे बाइंडिंग होती है यानी कि अगर आप अपना मुकदमा कोर्ट के पास लेके गए कि जी हम दोनों के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है आप हमारा हमें एक डिसीजन दो कोर्ट ने फिर जो जजमेंट पास कर दिया वो दोनों को माननी पड़ेगी यानी कि उन दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग तो आर्बिट्रेशन में क्या होता है आर्बिट्रेशन में भी सेम है आप जजेस की जगह आर्बिट्रेटर्स आपका डिस्प्यूट सुनेंगे और आर्बिट्रेटर जो भी अवार्ड देंगे दैट अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ठीक है सो हेयर वी कैन राइट दैट अवार्ड जो है इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू डिस्प्यूट यानी कि जो पार्टीज अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के पास लेके जाती हैं उनको यानी कि ए और बी को अब ये अवार्ड मानना पड़ेगा जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन दे देगा उनको वो डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा ठीक है अब ये अवार्ड वाला पॉइंट क्यों जरूरी है क्योंकि इसके अलावा हम जितने भी एडियार्स पढ़ेंगे जैसे नेगोशिएशन पढ़ेंगे कंसिलियन पढ़े मीडिएशन पढ़े उनका जो आउटकम आता है या उनका जो डिसीजन आता है वो पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होता है सिर्फ जो आर्बिट्रेशन का जो फाइनल डिसीजन है यानी कि जो अवार्ड है वो पार्टीज पे बाइंडिंग होता है ये या आपको याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपसे पूछ लेंगे कि

अब फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करा जाएगा आर्बिट्रेटर इनका डिस्प्यूट मुकदमा सुनेगा और फिर फाइनल डिसीजन देगा जिसे हम अवार्ड कहेंगे और ये जो अवार्ड है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होगी ठीक है आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है अब हम पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन तो इसमें सबसे पहला है डोमेस्टिक डोमेस्टिक से आप क्या समझते हो डोमेस्टिक लॉस पढ़ते हैं हम ठीक है तो डोमेस्टिक क्या है डोमेस्टिक मतलब वो आर्बिट्रेशन वेयर बोथ द पार्टीज आर रिजाइडिंग इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो इन इंडिया ठीक है यानी कि बोथ पार्टीज आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज इन इंडिया ठीक है वेरी सिंपल यानी कि ये दोनों पार्टी इंडियन है और अगर जो आर्बिट्रेशन जहां हो रही है वो भी इंडिया में है तो उसे हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन यानी कि कंप्लीटली इंडियन लॉज उस पर एप्लीकेबल है अगर अब हम फॉरेन आर्बिट्रेशन की बात करें तो यहां पर क्या है पार्टीज आर नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूं प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी जो है इट इज नॉट इन इंडिया वो भी इंडिया में नहीं है वेरी सिंपल डोमेस्टिक का ऑपोजिट है उल्टा है फॉरेन क्योंकि डोमेस्टिक में पार्टीज भी इंडिया में है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी इंडिया में है बट डोमेस्ट में में क्या है है पार्टीज भी बाहर रहने वाली है और उन पे जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन भी बाहर है ठीक है उसके बाद अब इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अब आप कहोगे मैम फॉरेन और इंटरनेशनल में क्या फर्क है ये तो दोनों एक चीज एक जैसे है, मिलते जुलते हैं बट नहीं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में एक पार्टी इंडियन होती है और एक पार्टी बाहर की होती है ठीक है वन पार्टी इज इंडियन एंड अदर पार्टी में बी फॉरन पार्टी ठीक है वन पार्टी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड अनदर अदर पार्टी में नॉट बी रेजिडेंट ठीक है ये इसका मैं यहां पर लिख देती हूं वन पार्टी इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर ओ आई and another is foreigner ठीक है ये हो गया हमारा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अब डी की बात करते हैं स्टेचुट्री आर्बिट्रेशन स्टेच्यूट्री आर्बिट्रेशन का मतलब है कि कहीं पर कोई लॉ अगर आपको ये डायरेक्शन देता है कि अगर कल को आपके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो वो सिर्फ आप आर्बिट्रेशन से सुलझा सकते हो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते तो वो है में आर्बिट्रेशन यानी कि इट इज मेड मैंडेटरी फॉर यू कि अगर डिस्प्यूट अराइज़ होगा तो आपको आर्बिट्रेशन से ही सुलझाना पड़ेगा ठीक है हेयर आर्बिट्रेशन इज मैंडेटरी देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन मतलब हमारी कंट्री में जो आर्बिट्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारी कंट्री में आज के दिन इसकी बहुत नीड है क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन भी बहुत बढ़ रहा है क्यों इसका क्या मतलब हुआ कि जगह जगह पर ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जहां पर आर्बिट्रेटर्स होंगे अब अपनी मर्जी से आप उस इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि हमारा डिस्प्यूट रिजोल्व करवाइए ठीक है थीके? तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन भी एस्टेब्लिश करे जा रहे हैं ताकि लोगों को कोर्ट ना जाना पड़े और वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकें ठीक है सो आई होप एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन होता क्या है उसका सिग्निफिकेंस क्या है आर्बिट्रेटर क्या होता है अवार्ड क्या होता है और टाइप्स क्या है किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आई बी आंसरिंग योर देयर ओनली ठीक है चलो जी नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन लॉ ऑन आर्बिट्रेशन हमारे कंट्री में क्या आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई लॉ है हमारे पास बिल्कुल है वो कौन सा है इट इज योर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलियेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड एक्ट ऑफ 1996 यानी कि ये एक्ट हमारी कंट्री में 1996 में आया था ठीक है अभी किस पे बेस्ड है इट वॉज बेस्ड ऑन यूनिसेट्रल लॉ यूनसिट्रल लॉ हमारे यूनाइटेड नेशंस का वो एस्पेक्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट से वो करता है रिलेट करता है डील करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम प्रमोट करें कि सभी कंट्रीज आपस में अगर डिस्प्यूट भी है या उनकी कंट्री के अंदर लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहे हैं तो वो डिस्प्यूट अपने आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करें यानी कि टू प्रमोट आर्बिट्रेशन कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट को रिजोल्व कराने लग जाए अब ये आर्बिट्रेशन और कंसिलियेशन एक्ट क्या करता है यहां पर ये हमें बताता है ये क्या क्या चीजें बताता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी आर्बिट्रेटर्स की सो इट टॉक्स अबाउट फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स कि कौन कौन लोग आर्बिट्रेटर बन सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी है एक आर्बिट्रेटर बनने की या कौन कौन लोग आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते जो दोनों लोग अगर मान लीजिए

Procedure क्या होगा? अब court में जो होता है, वो तो है। है, क्या होगा? अगर अगर तो criminal procedure code बताया गया सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है बट आर्बिट्रेशन में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा ये तो हमने पढ़ लिया कि हम सीआरपीसी नहीं मानते आर्बिट्रेशन uh, में ना सीपीसी मानते ना एविडेंस मानते तो क्या मानते हैं हम पार्टीज के पास चॉइस है कि वो खुद प्रोसीजर डिसाइड कर सकती हैं कि हम उन्हें रिटर्न फॉर्म में हियरिंग्स करनी है या ओरल हियरिंग्स करनी है क्या उनको कितनी पेस पे ये केस चलाना है कितने टाइम में वाउंड अप करना है ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं और क्या बताया गया है टाइम लिमिट बताया गया वेरी इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट ऑफ डिसाइडिंग द केस मैक्सिमम एटीन मंथ यानी कि हमारे आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट में यह बताया गया है कि अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू आप कोई डिस्प्यूट रिजोल्व करा रहे हो तो मैक्सिमम जिस दिन हियरिंग कंप्लीट हो गई तो डेढ़ साल के अंदर अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए यानी कि इसीलिए हम कहते हैं यहां पे हमें स्पीडी जस्टिस मिलता है फिर यहां पर और क्या बताया गया है सेटिंग असाइड ऑफ अवॉर्ड आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर का डिसीजन आ गया। Arbitrator ने पास कर दिया, सेट सेट असाइड असाइड करवाना है उसे। कि हम 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 संतुष्ट नहीं हैं, हैं, इसको हटवाना चाहते चाहते तो तो कोर्ट में जाना चाहते हैं, हमें कोई और रिलीफ चाहिए। तो वो किन-किन ग्राउंड -किन पे हो सकता है अपॉइंटमेंट भी, भी बताता है कैसे अवार्ड को सैटिसाइड कराया जा सकता है कितने टाइम में आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग खत्म होनी चाहिए सब चीजें उसमें मेंशन है है ठीक सो आई होप आर्बिट्रेशन अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा आर्बिट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है थीके? अब इसके बाद आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ एडीआर है पहला कौन सा पढ़ लिया हमने आर्बिट्रेशन दूसरा अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यून का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से ऐड किया, किया गया हमारे में? 323A और तीन सो तेईस बी दे टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अब ट्राइब्यूनल्स आर नॉट मेंट टू रिप्लेस कोर्ट्स ये केस का नाम भी आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट एल चंद्र कुमार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या कहता है एल चंद्र कुमार केस कि हाँ हमने मान लिया आपके पास एडीआर अवेलेबल हैं हमने मान लिया आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को मना कर दोगे कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते हर व्यक्ति के पास कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं यानी कि अगर आपको यहाँ नहीं जाना है डिस्प्यूट रिजोल्व कराने के लिए तो आप कोर्ट में जा सकते हो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कुछ स्पेसिफिक डिस्प्यूट्स uh, को रिजॉल्व कराने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं क्योंकि जैसे कि हमें पता है कई बार कुछ डिस्प्यूट ऐसे स्पेसिफिक नेचर के होते हैं उनका नॉलेज या एक्सपर्टीज हो सकता है जजेस के पास ना हो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश किए जैसे कि अगर आप लोगों ने एनजीटी सुना हो एनजीटी क्या है एनजीटी इज योर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये आपका 2010 में एस्टेब्लिश हुआ और यह आपसे आपका डील करता है एनवायरमेंट एनवायरमेंटल इश्यूज कि कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है उससे एनवायरमेंट को कोई असर हो रहा है तो उन एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज को डील करने के लिए क्या ट्राइब्यूनल बना दिया गया हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल सिमिलरली एक और है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दैट इज कैट CAD क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल अब यहां पर क्या है जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनकी अपॉइंटमेंट उनका रिमूवल उनकी पेंशन उनकी ग्रेचुटी उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो वो कैट में सुने जाते हैं तो इस तरीके से स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिस्प्यूट को सुनने के लिए इसका भी पर्पज क्या है अल्टीमेटली यही है कि कोर्ट में जाना लोग अवॉइड करके इनके पास आके अपने डिस्प्यूट रिजोल्व करें जिससे कोर्ट में पेंडेंसी कम हो सके ठीक है अब अगला पॉइंट कहता है डिस्प्यूट अबाउट सर्विस कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि कैट की अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सर्विसेज को लेके कोई डिस्प्यूट है उसके लिए स्पेसिफिकली आप यहां जा सकते हो कलेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ टैक्स अब ये क्या है इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल इनकम टैक्स के मैटर्स को सुनने के लिए अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया अच्छा वो अगला है इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट अब ये है इंडस्ट्रियल आपका सिमिलरली जैसे इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है वैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सुनने के लिए सेम ट्राइब्यूनल कनेक्टेड टू लैंड रिफॉर्म्स कि अगर कोई लैंड से रिलेटेड लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट है किस समय अगर आप जैसे सुनते हो कि कोई भी डेवलपमेंट होती है रोड बनता है तो सरकार लैंड एक्वायर करती है अब जिन लोगों का लैंड एक्वायर हुआ है उनको कोई भी डाउट है कोई कंफ्यूजन है कि हमें कम पैसे मिले कॉम्पनसेशन में तो वो कोर्ट में जाने की बजाय स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाए जाएंगे वहां जाके आप अपने डिस्प्यूट्स को एड्रेस करवा सकते हो या रिलीफ ले सकते हो तो ये हमारा अलग काइंड ऑफ एडीआर है कौन से केस ने कहा कि कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं या एडीआर विल नॉट रिप्लेस द कोर्ट्स एल चंद्र कुमार और कौन कौन से टाइप्स हैं आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव के एनजीटी सीएटी इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल और लेबर डिस्प्यूट्स ये कुछ एग्जांपल्स हैं ये आपको याद रखने हैं ये आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं ठीक है थीके? चलो आगे चलते हैं इसके बाद मीडिएशन एंड इट्स टाइप्स अब मीडिएशन क्या है मीडिएशन भी ही एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही है यहां पर क्या है पार्टीज वॉलेंटेरली अपनी मर्जी से यू कहती हैं कि हमें अपना डिस्प्यूट किसी थर्ड पार्टी को रेफर कर देती है कि तुम मीडिएटर बन जाओ आर्बिट्रेशन में क्या था आर्बिट्रेटर था मीडिएशन में क्या है मीडिएटर ठीक है हेयर वी कैन राइट पार्टीज वॉलेंटेरली मतलब अपनी मर्जी से रेफर देयर डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी किसी थर्ड पार्टी को अपना डिस्प्यूट रेफर कर देती है और इस थर्ड पार्टी को हम क्या कहते हैं दिस थर्ड पार्टी इज नोन एज वॉर्ड दिस इज नोन एज मीडिएटर ठीक है पार्टीज इज रेफर द डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी और इस थर्ड पार्टी को हम मीडिएटर कहते हैं अब यहां पर जो मीडिएशन का अगर हम स्पेशल बात करें तो जैसे आर्बिट्रेशन में क्या था आर्बिट्रेशन का जो रिजल्ट था या आउटकम था अवॉर्ड था वो पार्टीज पे बाइंडिंग था तो क्या मीडिएशन में भी ऐसा है नहीं सो हेयर वी कैन राइट द फाइनल डिसीजन ऑफ मीडिएशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्टीज यहां पर वो पार्टी पे बाइंडिंग नहीं होगा ठीक है अब इसमें केस भी है जो आपको याद रखना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर यह केस याद रखना बच्चों ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस केस में क्या कहा गया इस केस में यह कहा गया कि हमने माना कि हम मीडिएशन में डिस्प्यूट रिजोल्व कराने जा सकते हैं तो क्या हम सारे डिस्प्यूट्स के लिए मीडिएशन में जा सकते हैं कि पार्टीज़ अपनी मर्जी से मीडी थर्ड पार्टी के पास चली गई कि आप हमारा डिस्प्यूट रिजोल्व कर दो नहीं इसने कहा इस केस ने कि इलेक्शन डिस्प्यूट एंड क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व बाई so इन्होंने क्या कहा आप इलेक्शन डिस्प्यूट को और आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको मीडिएशन से नहीं सुलझा सकते तो क्रिमिनल केसेस कहा सुलझाए जाएंगे के, आपके कोर्ट में क्योंकि यहाँ पर कोई टेक्निकल प्रोसीजर तो फॉलो होता नहीं है बट क्रिमिनल केसेस को सुनने के लिए हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए ताकि एक्यूज को भी प्रॉपर uh, वो मिले फेयर हेयरिंग मिले उसके कोई राइट्स वेट ना हो तो ये केस लो आपको याद रखना है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चलो अब हम आगे देखते हैं इसके टाइप्स मीडिएशन के टाइप्स क्या क्या है फर्स्ट इज इवेल्यूएटिव मीडियेशन इवेल्यूएटिव मीडियशन क्या है हेयर अ फेयर सेटलमेंट अब जैसे मैंने आपको यहां बताया रेफर देयर डिस्प्यूट टू अ थर्ड पार्टी

अब अगला है फैसिलिटेटिव मीडिएशन फैसिलिटेटिव में क्या है इट ही जस्ट फैसिलिटेट्स अ फेसिलिटेटेशन अब यहाँ पर जो मीडिएटर है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है पार्टीज को चलो तुम आओ यहां बैठ के आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लो उसके यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है पार्टीज को जहां पर वो बैठ के अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं ठीक है देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन इसमें क्या है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्पावरमेंट कि कैसे हम मीडिएशन को एम्पावर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोर्ट्स में ना जाकर मीडिएशन के मेथड को चूज़ करें जिससे कि वो अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहें दिस इज ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन मीडिएशन विद आर्बिट्रेशन अब इस ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये क्या है आप मीडिएशन में गए डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने के लिए पर आपको लगा नहीं मीडिएशन से नहीं मुझे अपना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजोल्व कराना है क्यों क्योंकि आर्बिट्रेशन का डिसीजन तो बाइंडिंग होगा वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा हमारे लिए क्योंकि वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा उससे हमारा डिस्प्यूट अच्छे से रिजोल्व हो जाएगा तो मीडिएशन करते ही मीडिएशन के दौरान तो या मीडिएशन खत्म होने के बाद भी आप आर्बिट्रेशन में जा सकते हो वहां पे अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करा सकते हो देन ऑनलाइन मीडिएशन भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी का कुछ मेंशन तो यहाँ पे भी आना ही था ना तो मीडिएशन यानी कि आपको अब मीडिएटर के फिजिकल प्रेजेंस में होने की भी जरूरत नहीं है ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर्स के एक्सेस से या वर्चुअली भी आप एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस में ना होते हुए भी वर्चुअली भी बैठ के आप अपना डिस्प्यूट रिजोल्व कर सकते हो ये है बेनिफिट ऑफ दी टेक्नोलॉजी ठीक है चलो जी मीडिएशन सबको समझ में आ गया कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगला कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं लोक अदालत लोक अदालत इट मींस पीपल्स कोर्ट यानी कि लोगों के लिए लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये कोर्ट्स बनाए ठीक है यहां पर अगर हम लोक अदालत की बात करें जैसे गांधी जी ने कहा था कि जो हमारी देर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और जो हमारे विलेजेस uh, भी हैं जो मतलब हमारी रूट्स हैं यानी कि जो हमारे लोएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है हमारे विलेजेस हैं हमारे रूरल एरियाज हैं वहां तक भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पहुंचना चाहिए अब वहां तक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को पहुंचाने का तरीका है लोक अदालत पीपल्स कोर्ट पीपल्स कोर्ट जैसे पहले गाँव में क्या होती थी पंचायत होती थी लोग आपस में बैठ के एक, एक पंच होता था और वो अपना डिस्प्यूट लोगों की बात सुन के उनके उनमें आपस में वो करवा करवा देता था सेटलमेंट करवा देता था कॉम्पनसेशन एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दिलवा देता था वो क्या था वो भी एक तरीके का पीपल्स कोर्ट था अब उसको लीगल रिकग्नेशन दे दिया गया कि लोगों को हर डिस्प्यूट के लिए कोर्ट में भागने की जरूरत नहीं है आप लोक अदालत से भी अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करा सकते हो ठीक है अब इस लोक अदालत में एक चेयरमैन होगा देर विल बी वन चेयरमैन टिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर वो या तो सिटिंग यानी कि एट प्रेजेंट वो कोई जुडिशियल ऑफिसर है कोई जज है या रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं दूसरा टू में दो अदर में जो उनमें से एक लॉयर होगा और एक सोशल वर्कर होगा तो टोटल तीन मेंबर हो गए लोक अदालत में एक चेयरमैन एक लॉयर और एक सोशल वर्कर ये आपको याद रखना है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लोक अदालत में चेयरमैन के अलावा कितने मेंबर होते हैं दो मेंबर होते हैं और वो दो मेंबर कौन कौन होते हैं एक लॉयर होता है और दूसरा कौन होता है दूसरा आपका सोशल वर्कर होता है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क कर दिया है मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है यहां पर क्या है देर इज नो कोर्ट फीस कोर्ट में क्या होता है आप कोई केस इंस्टीट्यूट करते हो तो आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है कि आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो आपकी कोर्ट में तारीख पे तारीख लगाई जा रही है कोर्ट में आपको टाइम दिया जा रहा है तो आपको कोर्ट फीस भी पे करनी पड़ती है बट यहां पर ऐसा नहीं है लोक अदालत में आपको कोर्ट फीस नहीं पे करनी है ये भी आपका फीचर है इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है देन नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ ये तो सभी एडियाज में कॉमन है जितने भी अभी तक हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म पढ़े चाहे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पढ़ा चाहे आर्बिट्रेशन पढ़ा चाहे मीडिएशन पढ़ा सब में एक चीज कॉमन थी कि वहां पर टेक्निकल प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा वहां पर क्या फॉलो हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो भी यहाँ पर भी सेम चीज है सो नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉस अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज लाइक और कहां पर है लाइक एंड आर्बिट्रल अवार्ड ठीक है जैसे आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी बाइंडिंग है पार्टीज पे सेम तरीके से जो लोक अदालत का डिसीजन है वो भी पार्टीज पे बाइंडिंग होता है अब ये भी एक इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट हो सकता है पेपर के लिए फर्स्ट लोक अदालत कहां हुई थी

और उसी का एक अहम हिस्सा है आर्टिकल थर्टी नाइन ए आर्टिकल थर्टी नाइन ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कहां, कहां दिया गया है आर्टिकल थर्टी नाइन ए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम ठीक है और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है इट टॉक्स अबाउट प्री लीगल एड लीगल एड का क्या है अगर कोई व्यक्ति गरीब है, या वो इतना नहीं है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आप एक वकील को नहीं कर सकते गवर्नमेंट तो जो है वो एक एडवोकेट प्रोवाइड करेगी जो आपके बिहाफ पे आपके जो है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या आपका केस कोर्ट में जाके या कहीं पर भी लड़ सकता है ठीक है सो आई होप एवरी आगे चलते हैं इसके बाद कंसिलियेशन ये एक और हमारा एडीआर है ये क्या कहता है अ कंसिलेटर में भी इंटरवेंशनिस्ट यानी कि वो बीच में इंटरवेंशन करता है यानी कि बीच में इंटरफेयर करता है अपने इनपुट्स देता है इन द सेंस दैट ही मे सजेस्ट तो यहाँ पे ये क्या करता है ही सजेस्ट पोटेंशियल सॉल्यूशन कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है ये तुम्हारे लिए एक उपाय हो सकता है

अब हम बात करें कि कंसिलियन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहां पर मैंशनड है कहां पर इनके बारे में बात की गई है तो सेक्शन एटी नाइन ऑफ सीपीसी सीपीसी क्या है सीपीसी स्टैंड फॉर योर सिविल प्रोसीजर कोड तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे सिविल डिस्प्यूट हैं यानी कि बिजनेस के डिस्प्यूट हैं या मेट्रीमोनियल डिस्प्यूट है या, या प्रॉपर्टी को पार्टीशन का डिस्प्यूट है उन सभी डिस्प्यूट में हम कंसिलियन में जा सकते हैं क्योंकि जो सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन एटी है वो क्या कहता है वो ये कहता है कोर्ट जो है जिसके पास एक केस की सुनवाई चल रही है और अगर उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मैटर को कंसिलियन या मीडिएशन के थ्रू सुलझाया जा सकता है तो कोर्ट फिर उस मैटर को कंसिलियन या मीडिएशन में भेज देगा ठीक है, है? है, फिर conciliation का और कहां mention है? Arbitration and conciliation Act में। उसके अलावा हमारा जो Industrial disputes Act है, Industrial Dispute मतलब जहां पर लेबर के डिस्प्यूट्स हैं, कि हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है जी हमसे काम ज्यादा कराया जाता है या जो हमारे रहने की कंडीशन है वो अच्छी नहीं है या जो हमारी वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी नहीं है तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के डिस्प्यूट हैं उनको भी हम कंसीलिएशन से सुलझा सकते हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर यानी कि जो नौकरी में रख रहा है एंड एम्प्लॉय यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं कैन बी रिजॉल्व यानी कि उन्हें सुलझाया जा सकता है बाय वे ऑफ कंसिलियन कंसिलियन के द्वारा अंडरस्टूड तो कंसिलियन भी सबको समझ में आ गया और किन किन जगह पर ये मेंशन है ये भी समझ में आ गया इसके बाद अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज पर ओमबोर्ड्समैन ओमबुड्समैन हो सकता है बहुत बच्चों ने पहली बार सुना हो कि ये क्या मैडम अजीब सी टर्मिनोलॉजी लेके आ गई ये क्या होता है ओमबुड्समैन तो ओमबोर्ड्समैन का बेसिक मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल यानी कि जो लोगों को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या उनकी वॉइस बनता है वॉइस ऑफ़ पीपल, But generally we write it as representative of people, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला यानी कि इट एड्रेस पीपल्स कंप्लेंट यानी कि लोगों की कंप्लेंट्स को एड्रेस करने वाला इसका जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है लोकपाल एंड लोकायुक्त लोकपाल एंड लोकायुक्त ये क्या करते हैं आप ये है हमारे एंटी करप्शन एंटी करप्शन यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त में क्या है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो आप लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर कर सकते हैं ये एक्ट कौन से ईयर में आया था यह 2013 में इसका पर्पस क्या है टू इंश्योर कि जो करप्शन की एक्टिविटीज है वो कम हो तो किसी ना किसी तरीके से क्या कहना चाह रहा है ऑम्बुड्समैन मतलब पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव लोगों को अगर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत अगर वो स्पेशली करप्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है तो वो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं ठीक है थीके? सो आई होप ऑम्बुड्समैन समझ में आया इस वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है पेपर में वेरी एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की ओमबुड्समैन का मतलब है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ठीक है अब इसके बाद नाउलेट्स मूव फर्दर चलो लोकपाल और लोकायुक्त आ ही गया इसे हम कहते हैं एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन जैसे कि करप्शन एक्टिविटीज आर ऑन उन उनपे चेक रखने के लिए कि वो एक्टिविटीज आगे फ्यूचर में ना बढ़े या उनको कंट्रोल करने के लिए वी हैव लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जिसके अंदर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो दैट ही हैज

इन एंड आउटसाइड इंडिया चाहे वो इंडिया में काम कर रहे हैं चाहे इंडिया के बाहर ऐसे होता है ना कई बार हमारे होते हैं या भी हमारा लोकपालन लोकायुक्त एक्ट अप्लाई होता है इंक्लूडिंग ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉय की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में है चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है वो अगर ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉय भी है तो उन पर भी हमारा एंड लोकायुक्त एक्ट अप्लाई होता है ठीक है लोकपाल में क्या है एक चेयर पर्सन होगा होता है और मैक्सिमम आठ मेंबर होते हैं इसमें ये भी आपका सीयूटी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपकी जो स्लाइड्स है ना वो इसी तरीके से फ्रेम किए उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए हैं कि इनसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त चलो इसके बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन आई होप एडीआर का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि एडीआर होते क्या हैं इनकी जरूरत हमें क्यों है आज के दिन और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एडीआर हैं जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसेलिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स लोकपाल लोकायुक्त एंड लोक अदालत इन सब चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड अगर हम आज के दिन में बात करें तो आज के दिन में हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड ए का क्या इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट इट प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस बिल्कुल सही कि ये स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करता है देन इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेंडेंसी ऑफ केसेज इन कोर्ट्स कि लोग कोर्ट में जाने की बजाय इनके पास जाएंगे ADIAS के फॉलो करेंगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए तो ऑटोमेटिकली जो कोर्ट में पेंडेंसी ऑफ है वो कम हो जाएगी कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन इज लो यस क्योंकि यहां पे कोर्ट फीस नहीं लगती है यहां पे प्रोसीजर इतना टेक्निकल नहीं है जल्दी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है सो ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है चलो आगे चलते हैं इसके बाद Kind of इनमें से से कौन से ADR में final decision is binding. Final decision जो है वो binding है parties पे. Conciliation में है? पे. में नहीं है में में है? है. है? है. नहीं है. All of the above, नहीं. राइट आंसर आर्बिट्रेशन तो इस तरीके से पूरे ऑप्शंस पढ़ के फिर क्वेश्चन को आंसर करना है. यू नहीं जल्दी से मुझे तो आर्बिट्रेशन गया बस बस बंद करो अच्छे से सारे ऑप्शन करना है, ठीक है जल्दी ठीक है जल्दबाजी नहीं करनी ओके? चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बिल्कुल है इसके बारे में मैंने आज क्लास में आपको बताया इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है बिल्कुल जो इनकम टैक्स मैटर से डील करता है सीएटी क्या है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वो किससे डील करता है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी पेंशन का डिस्प्यूट है उनकी का डिस्प्यूट है, है उनका टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का डिस्प्यूट है वो सब चीजें एड्रेस की जाएंगी वो सब चीजें स्कैट का जो हमारा ट्राइब्यूनल है वहां एड्रेस की जाएंगी तो ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैं ऑल ऑफ द राइट आंसर हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट ट इलेक्शन डिस्प्यूट एंड क्रिमिनल केसेस विल नॉट बी रिजोल्व बाई मीडियेशन ये तो केस मैंने स्पेसिफिकली स्टार मार्क करके आपको बताया था शीला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया नो जगमोहन रेड्डी नो इन एफ कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही एल चंद्र कुमार नहीं एल चंद्र कुमार में तो ये कहा गया था कि आपके पास चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑप्शन है बट इट ड आप कोर्ट नहीं जा सकते कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर में यह कहा गया था कि अगर इलेक्शन का डिस्प्यूट है या क्रिमिनल केस है उस मामले को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा उसके लिए आप मीडिएशन में नहीं जा सकते सो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरन आर्बिट्रेशन इसमें से कौन सा आर्बिट्रेशन फॉरन आर्बिट्रेशन कहलाएगा बोथ द बॉडीज आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया ओके वेयर प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इज आउटसाइड इंडिया बिल्कुल सही सो बोथ ए एंड बी ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम उसे फॉरन आर्बिट्रेशन कहते हैं तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलो वट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ओमबुड्समैन ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है तो ध्यान रखना इन क्वेश्चन का ओमबुड्समैन का मतलब क्या है पीपल्स कोर्ट इसको तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो लोक अदालत होता है पीपल्स कोर्ट क्या है लोक अदालत पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यस पीपल्स वॉइस नो पीपल्स कंसेंट नो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है रिप्रेजेंटेटिव इज द की वर्ड ठीक है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बी राइट आंसर है इसका नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन यानी कि जो करप्शन एक्टिविटीज के अगेंस्ट काम करता है मीडिएशन है लोकपाल है लोक अदालत है कंसीलिएशन मीडिएशन है. है नहीं जी लोकपाल है बिल्कुल है लोक अदालत है नहीं ये तो पीपल्स कोर्ट है कंसिलेशन है नहीं तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी अगेन ऑप्शन सभी पढ़ने हैं शांति से आंसर करना है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है चलो वट डू वी कॉल द फाइनल डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर कि जो आर्बिट्रेटर ने फाइनल डिसीजन दिया उसे हम क्या कहते हैं जजमेंट नहीं जजमेंट तो जो कोर्ट का आता है उसे हम जजमेंट कहते हैं डिग्री नहीं अवार्ड बिल्कुल कहते हैं एनी ऑफ द नहीं राइट आंसर विल बी सी अवार्ड जो आर्बिट्रेशन का फाइनल डिसीजन आता है उसे हम अवार्ड कहते हैं अगेन अवार्ड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज पार्टीज जो टू डिस्प्यूट होंगी आर्बिट्रेशन में उन पे ये अवार्ड का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग रहेगा चलो नेक्स्ट आर्बिट्रेशन कंसिलियन एक्ट इज बेस्ड ऑन विच लॉ आर्बिट्रेशन कंसिलियन का जो एक्ट है हमारी कंट्री का यहाँ पे लिख में थे आया था ये कौन से लॉ पर बेस्ड है हैल लॉ यूके लॉ यूएस लॉ यूएन लॉ ये भी मैं आपको बता चुकी हूं इट इज 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 अनसिट्रल लॉ ए द द द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन इनमें से फॉर्म ऑफ एडीआर आएगा यहाँ पे इनमें से कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एडीआर है यानी कि इनमें से किसको सबसे ज्यादा चुना जाता है आर्बिट्रेशन मीडिएशन कंसिलेशन ऑल ऑफ द आर्बिट्रेशन को सबसे ज्यादा चुना जाता है क्यों चुना जाता है सबसे ज्यादा क्योंकि इसका जो डिसीजन है बिकॉज डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेशन इज बाइंडिंग ऑन पार्टीज़ इसलिए आर्बिट्रेशन को सबसे ज्यादा चुना जाता है वेन एवर इट कम्स टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सो ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अच्छा चलो आपका क्वेश्चन क्वेश्चन होमवर्क भी है नेक्स्ट टाइम यू यू इन इन ओनली सेक्शन हैव टू टू आंसर दिस लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट हमने ये तो पढ़ लिया लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट में कौन कौन इसके अंदर आते हैं इसके अंदर हमारे पब्लिक सर्वेंट्स आते हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं ग्रुप ए बी सी डी एम्प्लॉय आते हैं अब कौन वो लोग हैं कौन वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कौन वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं वो आपको मुझे बताना इन दी कमेंट सेक्शन आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ठीक है response, अब जितना अच्छे से जितना इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको ये पढ़ाया है अगर आपको सब समझ में आया होगा आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हुआ होगा तो ये क्वेश्चन आप जरूर मुझे ढूंढ के आंसर करोगे इन दी कमेंट सेक्शन ऑल सो दिस इज होमवर्क फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ओके सो दैट्स ऑल अबाउट एडीआर आई होप एडीआर सबको समझ में आया मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाया है एडीआर होता क्या है इसकी ज़रूरत आज के दिन में हमें क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और कौन कौन से अलग अलग तरह के टाइप्स हैं एडीआर के जो हमारे पास आज के दिन प्रेजेंट हैं अब जो अलग अलग टाइप्स भी थे मैंने उनके बारे में भी आपको अच्छे से, से डिटेल में समझा दिया है उनमें से कैसे एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है एंड लास्टली आई हैव गि यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क उस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा इन दी कमेंट सेक्शन आई विल वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास ऑन ए डी आर नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक से शुरू करेंगे सो दैट इज़ ऑल अबाउट टूडेज क्लास थैंक यू एवरी वन आई होप यू ऑल हैव एन अमेजिंग डे अहेड, थैंक यू